आज नहीं मिल पा रही है शैलेंद्र को, उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। विपक्ष का कार्यकर्ता होने के नाते उनको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि उन्होंने जो वचन पत्र दिया है, मोदी की गारंटियाँ दी है, जो जो भावना किसानों के प्रति 3100 रुपये धान और 2700 रुपये गेहूं के दाम की बात की, 3000 रुपये लाडली बहन की बात की, पहली कैबिनेट में उनको लागू करना चाहिए। कई नाम बड़े चल रहे थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन नए नाम आ गए। नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बना दिया गया, मुख्यमंत्री के लिए नाम चल रहा था, प्रहलाद पटेल का कहीं नाम नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय का कहीं नाम नहीं है। बात यह है कि कई लोग मुख्यमंत्री वासु हमारे साथ जुड़े हुए। वासु, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? अब बिल्कुल देखिए, राजभवन के सामने मैं इस वक्त मौजूद हूँ और अंदर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद है और निश्चित तौर पर उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया। जिस तरह से मध्यप्रदेश को एक प्रचंड बहुमत मध्यप्रदेश में मिली है और उसके बाद लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था कि अब मध्यप्रदेश का अगला सीएम कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उस पूरे सस्पेंस से अब जो पर्दा है वो उठ चुका है। मोहन यादव मध्यप्रदेश